डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस बार डिग्री को देखने वाले हैं कि डिग्री कब डिफाइन होगा, कब डिफाइन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये वाई डैस, वाई डबल डैस और वाई ट्रिपल डैस का क्या मतलब है? अगर एक बार डैस है इसका मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। दो बार डैस है इसका मतलब क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, कितना मतलब कि यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब। y ट्रिपल डैश मतलब तीन बार डेरिवेटिव हुआ है, तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। कभी कभी इसको लिखने का तरीका है, इससे भी होता है y1, कभी कभी इसको y2 और y3, ये तीन तरीके से डेरिवेटिव को लिखा जाता है। अब देखिए क्या है, टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब देखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसमें? डेरिवेटिव के टर्म्स में। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमारे पास तीन एग्जांपल हैं। पहला वाला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या आ रहा है? ई टू द पावर सम डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। तो इसमें जो डेरिवेटिव है आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ये इसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, पॉलिनोमियल ये इसके वजह से नहीं बन पाएगा। तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या डिफाइन होगा? तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें देखिए, ये जो डेरिवेटिव है वो क्या है? साइन के अंदर है, इसके वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। तो इस इक्वेशन का भी डिग्री क्या होगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा? डिग्री एग्जिस्ट करेगा, इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें भी देखिए, कॉस के अंदर है, जो डेरिवेटिव है वो किसके अंदर है? कॉस के अंदर है। इसमें डेरिवेटिव साइन के अंदर है और इसमें डेरिवेटिव एक्सपोनेंट के रूप में है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको जो दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है या एक्सपोनेंट के रूप में है, वहाँ पे डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइंड। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऐसा टर्म दिखेगा आपको ई टू द पावर समथिंग, या लॉग के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, या एक्सपोनेंट पे पावर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, या साइन के अंदर डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स का टर्म दिख रहा है, या कॉस के अंदर डेरिवेटिव का टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल का जो टर्म है वो इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? डिग्री डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, जो डेरिवेटिव है क्या वो साइन के अंदर है? तो डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या है? साइन के अंदर है, तो डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस वाले केस में देखिए, यहाँ पे क्या है, जो ये क्या हुआ? डेरिवेटिव हुआ वाई डैस मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एक्सपोनेंट पे पावर के रूप में है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? डिग्री, यहाँ भी क्या हो जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन के अंदर में डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक ए वन डैस मतलब वो एक बार डेरिवेटिव है साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया यहाँ पे। अब ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे डिग्री डिफाइंड होगा, और हम लोग देखेंगे कैसे पता करेंगे वहाँ पे कि कितना डिग्री होगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछा गया है कि डिग्री निकालिए, ठीक है, ऑर्डर भी निकालेंगे, लेकिन आप जैसे डिग्री निकालिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा डिग्री निकालने के लिए? अगर कहीं रेडिकल्स दिख रहा है तो रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यार, इसको कैसे हटाएंगे? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया? वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो गया, और इधर से स्क्वायर रूट जो था वो हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि कितना हाईएस्ट पावर कितना है, तो आपको इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे
तो डेरिवेटिव कौन सा है, या तो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, तो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, वन, और ये भी कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, वन। तो हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है वही होता है इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो गया जितना हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो वन डिग्री। अब डिग्री देखिए, हाईएस्ट बार जहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर कितना है, उसका पावर कितना है, डी वाई डी एक्स का पावर कितना है, दो। तो डिग्री हो गया दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या निकालना है आपको, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए किस में होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल का पावर क्या नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, उसमें कोई रेडिकल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये जो पावर दिख रहा है 3/2, तो ये पॉलिनोमियल अभी नहीं बना रहा है, तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल बनाएंगे। लेकिन ऑर्डर निकालना बहुत आसान है, यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो अब जो डेरिवेटिव है, ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार, और ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार। तो हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार। तो ऑर्डर कितना हो गया, दो। मतलब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, दो। हमको क्या निकालना है, डिग्री। तो देखिए अब डिग्री कैसे निकलेगा, तो डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर जो है 3/2 इसको हटाएंगे, ये 1/2, ये जो पावर जो बट्टे में दिख रहा है ना आपको, फ्रैक्शन में पावर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अच्छा चलो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर दो तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये तो अंदर में था ही, और जब पावर पे पावर होता है तो गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और अंदर वाले का स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब इस इधर वाले का पावर कितना है, इसका पावर हो गया कितना हो गया, अब इस वाले टर्म का पावर कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, नो फ्रैक्शन। तो अब ये बन गया आपका क्या, पॉलिनोमियल। तो जैसे ही पॉलिनोमियल बन गया, अभी हम देखेंगे इस पे कितना पावर है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ से निकला था, हाईएस्ट पावर तो यहीं, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ से निकला था। तो इसका देखिए, जहाँ पे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका पावर कितना है, दो। यही हो गया इसका डिग्री, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया दो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। तो क्या आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं, आपको बताना है ऑर्डर और फिर बताना है आपको डिग्री। तो देखिए, क्या इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा, तो साइन के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, डी वाई डी एक्स को वाई डैश बोलते हैं, या वाई डबल डैश नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई, तो ये तो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल मतलब अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ तो डेरिवेटिव है ही नहीं, तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, इसका डिग्री डिफाइन है। तो कितना होगा, उसके लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ऑर्डर, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट, यहाँ कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है, दो बार, और यहाँ एक बार। तो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। तो ऑर्डर कितना हो गया, दो, और इसका पावर कितना है, इस पर कितना पावर है, कुछ नहीं है, तो कितना मान लो, वन। तो डिग्री कितना हो गया, वन। तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री के कुछ सवाल, अगले वीडियो में और भी प्रश्न को डिस्कस करेंगे।